हेलो, हाय, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए पीछे कौन है? मैं तो ठीक हूँ काव्या, तुम कैसी हो? तुम बता दो बेटा। अच्छा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। काव्या भी बिल्कुल ठीक है। और हमारे कान्हा जी अपना देखिए लगा हुआ है अपना झूला में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, अभी शाम का लगभग 6 बज चुका है और मैं ऐसे ही अभी हमारे घर में काम लगा हुआ था तो मिस्त्री जी लोग आए हैं, तो बस अभी दूध लेके आए और ऐसे ही बैठे हुए, तो सोचे आप लोगों से कुछ शेयर करते हैं, कुछ टिप्स जो हम मतलब मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, सक्सेस हुआ। आप लोगों को पता होगा कि कुछ पहले का वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे प्लांट को लेकर के, कि हमारा प्लांट जो है वो मतलब पौधा ये फ्लावर वगैरह का जो भी है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो आप लोग कुछ सजेशन दीजिए कि क्या करें, कैसे करें उसके लिए, क्योंकि आप सारे दिन लगे रहो और अगर उसमें कुछ ग्रोथ नहीं हो तो बहुत ज़्यादा मतलब मन उदास हो जाता है। तो ऐसे ही, और हमारे खास करके हमारे हस्बैंड जी को प्लांट ये सब का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा उनको शौक है प्लांट वगैरह का। वो अपना संडे उनका छुट्टी रहता है तो वो अपना सारा दिन उसी में टाइम अपना देते हैं। उनको हर 1 घंटे पे मतलब आधा 1 घंटे पे चाय चाहिए, बस चाय भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उनको चाय चाहिए, बस 2 से 3 घंटा रहना चाहिए। और वो अपना लगे हुए रहेंगे अपना प्लांट वगैरह में, कटिंग छटिंग जो भी है, खाद वगैरह ये वो। और हम आपको वीडियो में पीछे का वीडियो में भी दिखाए हैं कि कितना सारा हम लोग ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से खाद मंगाए, बहुत सारा का तो आप लोगों को दिखाया भी नहीं है। और आज भी कुछ कुछ मेरा खाद आया है थैला में, वो भी आप लोगों को अभी दिखाते हैं। तो प्लांट के बारे में आज आप लोगों से हम बात करते हैं। तो काफ़ी दिनों से मतलब लगभग हम लोग तो ये प्लांट आपको लगभग 1-2 साल हो गया जब से स्टार्ट किए थे, जब से यहाँ हम लोग डाल्टन में शिफ्ट किए हैं रांची से, तो अपना धीरे धीरे अपना मकान हो गया तो अपना प्लांट वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिए। तो शुरू शुरू में ये आपको उसमें ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं रहता था तो अपना फ्लिपकार्ट से मंगाना स्टार्ट किए। उसके बाद फिर घर का भी बहुत सारा है जो टिप्स आपको करना है फॉलो। जैसे आप चावल धोते हैं तो चावल धोते हैं ना चावल बनाने के पहले, तो उसका जो पानी रहता है वो आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। फिर अगर किसी भी आपका वेजिटेबल का सब्जी हो, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, मतलब कुछ भी सब्जी, खास करके आपको ये जो फ्रूट्स में केला होता है बनाना, उसका छिलका, ये सबको आप मतलब 24 घंटा के लिए पानी में भिगो दीजिए। और फिर पानी में भिगोने के बाद उसको आप छान लीजिए उसका पानी को, और उसका पानी को आप पौधा में डालिए। ये आपको घरेलू नुस्खा इतना काम आएगा फ्रेंड्स कि हम क्या बताएं। और हमारे साथ मतलब ऐसा हो रहा है कि हाँ हम ग्रोथ अपना प्लांट में देख रहे हैं, तो हम आप लोगों से सोचे कि चलो शेयर कर देते हैं, क्योंकि कल का हम आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे हमारा प्लांट में कितना ग्रोथ हुआ है। चलो मानते हैं कि कुछ पैसा खाद में लगाना भी पड़ा और घर का भी है तो थोड़ा सा मेहनत कर, ध्यान से उसको आपको मतलब इकट्ठा करना पड़ रहा है पानी को या फिर छिलका को, और उसको आपको डालना पड़ रहा है। लेकिन चलो थोड़ा सा मेहनत करने से अगर कुछ चीज़ में सक्सेसफुल मिले तो वो काम करना चाहिए। तो आज हम आप लोगों के साथ 1-2 अनबॉक्सिंग भी करेंगे, उसका ब्लॉग भी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक ब्लॉग में, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ कुछ ये ऑनलाइन हम अपना मंगाए हैं रूम के लिए, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। और आप लोगों को कैसा मतलब लगेगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो भी अच्छा लगता है फ्रेंड, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि जब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया कीजिए। और हमारे कान्हा जी अपना देखिए अपना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग बच्चे लोग हैं, तो बच्चा है तो जैसे कि होता है कि हाँ अगर नज़दीक में कुछ आपको पार्क वगैरह है वहाँ आप ले जाओ बच्चे को पढ़े, तो
तो यहाँ हमारे नजदीक में तो पार्क है नहीं, एक गांधी उद्यान है। क्या स्टाइल दिखाएगा? वो स्टाइल दिखा रहा, गांधी उद्यान है तो वो भी मतलब लगभग यहाँ से तीन चार किलोमीटर पड़ जाती है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि आप पर डे बच्चे को उतना दूर लेके जाओ। तो पर डे तो लेके नहीं जाते हैं, हो गया एक दो मंथ पे कभी कभी ले जाते हैं, और बच्चा है तो इन लोग को समय समय पे खेलना भी ज़रूरी है। तो अपना दोनों भाई बहन अपने इन लोगों का हर व्यवस्था घर में है, झूला गाड़ी वगैरह, तो अपना खेलते रहता है। और आजकल हमारा टीवी भी नहीं चल रहा है, जब से काम घर में लगा है तब से टीवी तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। हाँ अब स्टार्ट करवा देंगे बेटा, क्योंकि ये सब खोल के रखा गया था, डिटवेज वगैरह जो भी था, तो अब कसवा देंगे। तो चलिए आपको साथ अनबॉक्सिंग करते हैं, वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो चलिए उससे पहले सबसे पहले चाय पानी अपना बनाते हैं। जहाँ से दूध लेते थे आंटी के पास से, वो आंटी के यहाँ दूध भी मतलब गाय सूख गई, दूध भी देना बंद कर दी, अभी एक दूसरे जगह से दूध लेना स्टार्ट किए हैं। तो वहाँ से भी दीदी अभी दूध अच्छा दे रही है। तो सबसे पहले चाय पिएंगे क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, और चाय के बिना तो सर दर्द होते रहता है। तो चाय पीते हैं, और आज कपड़ा फिर से आज डालें धूप में, और उसके बाद फिर बारिश आ गई तो हमको सारा कपड़ा इधर उधर ऐसे फैलाना पड़ गया ला करके। कुछ कुछ कपड़ा मतलब सूख गया था, सोचे बारिश आ जाएगी तो जो भी सूखा हुआ है वो भी गीला हो जाए तो हटा देते हैं, और फिर फैन ऑन करके और अपना रूम में रखते हैं। तो चलिए पहले चाय बनाते हैं, पीते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। बाय, टेक केयर।